हे गाइस, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपको मैं कुछ इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जो देखने में बहुत ही ऑसम लगती है। अगर आपको भी अपनी फ़ोटो में इस कलर टोन को लेके आना तो इस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट देखना होगा। अगर आपको इस प्रीसेट को डाउनलोड करना है तो आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। वो पासवर्ड आपके स्क्रीन में कभी भी लिखा हुआ आ सकता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाके फॉलो कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर लाइटरूम की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको नीचे एक प्लस का आइकन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो और प्रीसेट को ऐड कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे ऑल फोटोज़ का ऑप्शन दिखेगा, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने प्रीसेट पे क्लिक कर देना है। तो मैंने कर लिया प्रीसेट पे क्लिक। अब इस प्रीसेट की कॉपी सेटिंग करनी होती है। आज का जो प्रीसेट हमारा डार्क ब्राउन एक्वा प्रीसेट, अब इस प्रीसेट की कॉपी सेटिंग करने के लिए ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, नीचे कॉपी सेटिंग पे क्लिक करना है। ऊपर टिक का आइकन दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो हमारी प्रीसेट की कॉपी सेटिंग हो जाती है। उसके बाद हमें अपनी फ़ोटो को ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो को ले लिया है। अब इस फोटो में हमें प्रीसेट ऐड करना है। फ़ोटो में प्रीसेट ऐड करने के लिए ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन ज़्यादा पेस्ट सेटिंग का। जैसे मैं पेस्ट सेट में क्लिक करूँगा तो एक क्लिक के अंदर फ़ोटो एडिट हो जाएगी। फ़ोटो में डार्क ब्राउन एक्वा कलर का इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। पहले फ़ोटो इस तरह की थी, प्रीसेट ऐड होने के बाद इस तरह की बन गई है। उसके बाद आपको नेक्स्ट फोटो में प्रीसेट ऐड करके दिखाता हूँ। ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, नीचे पेज सेट में क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ये वाली फोटो बहुत ही ऑसम लग रही है। अब इस फोटो को सेव करने के लिए बस शेयर के बटन पर क्लिक करना है, नीचे सेव टू डिवाइस करेंगे तो फोटो हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको और भी प्रीसेट चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पे आपको एक मोर प्रीसेट का लिंक मिलेगा, आपको क्लिक करके वहाँ से प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, आपको ये फ़ोटो एडिटिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको फ़ोटो एडिटिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसी तरह की फ़ोटो एडिटिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और मैं मिलूँगा ऐसी नेक्स्ट फ़ोटो एडिटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।